बेसिकली गाइस ये हेलमेट की अनबॉक्सिंग नहीं हो सकती। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये हेलमेट के साथ कोई बॉक्स नहीं आता है। सो मैंने बेटर समझा कि इसका जो रिव्यू है मैं ऐसे ही राइड पे दूंगा, क्योंकि इसका अनबॉक्सिंग तो होगा नहीं, इसके साथ बॉक्स बिल्कुल भी नहीं आता है। सो दिस इज़ समथिंग लाइक दिस, ऐसे ही आपको मिलता है शॉप से और आप ऐसे ही घर पे लेके आते हो इसको। सो इसका रिफ्लेक्टिव डिकैल बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, और वहाँ पे जो लोगो है स्कॉट का, इट इज़ वेरी मच अट्रैक्टिव। गुड मॉर्निंग या दूरी बनाए रखना। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? वेलकम टू माय चैनल प्रवीण होराइजन। हाय डिलॉन, डिस्टेंस बनाए रखना डिलॉन प्लीज, लंबा 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 जो भी है। यस, तो डिलॉन, सौगत और संकेत, ओके, अदर्स आर कमिंग, बट हम जा रहे हैं आगे मैग्डी के यहाँ पे 20 किलोमीटर, और वहाँ से रिटर्न आ जाएंगे। ओके हाँ, तो तुम कहाँ? विरार जा रहे हो? ओके ठीक है, चलो तो कंपनी मिल गई। नाइस, कौन सा? वेरी गुड, जिस्ट। हाँ जिस्ट, ठीक। हाँ चलो, अच्छा है, टॉगल के लिए अप्रिसिएशन मिला। वेरी गुड। मैं और संकेत हूँ मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे, और दहीसर से हम 20 किलोमीटर्स की राइड करेंगे आगे तक। और आज के राइड पे एक ख़ास चीज़ होने वाला है, जो कि मेरा जो हेलमेट है स्कॉट का, स्कॉट सुप्रा हेलमेट, उसका मैं कुछ प्रैक्टिकल रिव्यू दूंगा आज के राइड पे। अगर आपने मेरी इंस्टा स्टोरी देखी होगी तो वहाँ पे भी मैंने पोस्ट किया था। सो लेट्स सी ओवर द राइड ये हेलमेट का रिव्यू कैसे होता है। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ रिव्यू, बट जो प्रैक्टिकल फीचर्स है ये हेलमेट के बारे में मैं वो आपको बताऊँगा, और शायद ये आपको यूज़ हो सकता है आपके हेलमेट परचेस में, ये पॉइंट्स। सो स्टे ट्यून। ये है हमारा फर्स्ट हाइड्रेशन पॉइंट, थोड़ा सा रुके हुए हैं। संकेत, मैं पूछना चाहूँगा, ये जो हेलमेट है उसका कलर कैसे लगा तुम्हें? ग्रीन कलर इज माय फेवरेट कलर, बट मेरी जो नजर है वो यही हेलमेट पे पड़ी, क्योंकि इसका जो कलर है बहुत ही कैची कलर है, नियॉन कलर है, आप देख सकते हो। सो दिस इज द गुड पॉइंट कि आप रोड पे, खास करके रोड साइकिलिंग जब कर रहे हो आप, तो आपकी विजिबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है दूसरे राइडर्स के लिए या ड्राइवर्स के लिए, जो भी व्हीकल्स आती है उसके लिए आप बेटर विजिबल पोजीशन में रहते हो। तो गाइज, हम हमारे डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, ये मैग्डी है। यहाँ पे जब भी मैं आता था थोड़ा क्राउड रहता था, बट आप देख सकते हो कि मैग्डी भी क्लोज है, और हम यहाँ पे आ गए, और मेरी साइकिल यहाँ पे ये स्क्वायर में, और संकेत की साइकिल वो स्क्वायर में। तो मैं जोक कर रहा था कि ये सोशल डिस्टेंसिंग के स्क्वायर है, जैसे यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, आज हमारी साइकिल्स पार्क हो गई है यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग। संकेत के पास भी हेलमेट है, आप देख सकते हो। इट इज अ बेसिक हेलमेट व्हिच यू कैन गेट इन बजट इफ यू वांट। ओके, सो कितने में लिया था ये हेलमेट तुमने? आई थिंक आई गॉट इट फॉर 1400। और इसके साइड में मैं मेरा हेलमेट रख देता हूँ, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि विजिबिलिटी का पॉइंट क्या होता है। यस, डेफिनेटली। सो संकेत, क्या तुम मेरा हेलमेट उठाओगे? ये वेट वाइज कैसे लग रहा है तुम्हें? दिस क्वाइट लाइट वेट ना, लाइट वेट, वेरी लाइट वेट, वेरी लाइट वेट। तो गाइस, गुड हेलमेट इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज अ बेटर, क्योंकि जैसे संकेत को मैंने प्रैक्टिकली बोला कि ये उठा के देख लेना, और संकेत ने बोला कि यस गुड लाइट वेट, तो इसका जो
वेट है हेलमेट का वो है 280 ग्राम्स। और हेलमेट का वेट तभी आपको मैटर होना चालू कर देता है जब आपकी राइड एक घंटे के ऊपर की हो, दो घंटे के ऊपर की हो, क्योंकि इनिशियली एक घंटे तक कोई भी हेलमेट आपको चल जाएगा, बट अगर आप लॉन्गर राइड कर रहे हो तो इट शुड बी अ लाइट हेलमेट, और वो इतना स्टर्डी और फॉर्म भी होना चाहिए कि आपको स्कल को भी प्रोटेक्ट कर सके। ये हेलमेट को वाइज़र भी आता है, आप देख सकते हो कि संकेत के हेलमेट को वाइज़र नहीं दिखेगा बट यहाँ पे वाइज़र भी है, सो दिस वाइज़र इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये आपको बचा के रखता है मॉनसून जैसे सीजन में कि जो अपकमिंग रेन ड्रॉप्स है, आप जब राइड करते हो तो बहुत ही फोर्स से वो रेन ड्रॉप्स आपके आई के ऊपर आते हैं या आप आई वेयर पहन रहे हो तो उसके ऊपर आ जाते हैं, तो वाइज़र हमेशा काम में आता है। और अगर ब्राइट डे हो तो ये लिटिल वाइज़र सन के जो ब्राइट रेज है वो भी थोड़ा सा कम कर देता है, सो वाइज़र इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्लस पॉइंट इन दिस हेलमेट। और संकेत ये वाइज़र का और एक यूज़ होता है सबसे बड़ा ऑफ रोडिंग में, दिस इज़ समथिंग एमटीबी हेलमेट भी आप बोल सकते हो इसका, आप जब भी गिरते हो इम्पैक्ट होता है तो आपको हमेशा ये एक्स्ट्रा स्पेसिंग मिलते हैं वाइज़र की वजह तो अगर मैं ऐसा कहीं पे भी बम्प हो जाता हूँ तो दिस वाइज़र कीप मी अवे सम डिस्टेंस फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट, तो ये भी इसका इम्पोर्टेंट यूज़ है वाइज़र का। इसमें एक मेश काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है अंदर, इसको बोलते हैं बग नेट। तो अच्छा हुआ मेरे साथ आज संकेत का हेलमेट भी है, तो आप देख सकते हो कि इसके हेलमेट में दैट इज़ एब्सेंस। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है, एक्चुअली सुबह की जब राइड होती है या थोड़ी शाम की राइड होती है तो बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो आजू बाजू घूमते रहते हैं आपके साथ, कभी कभी आप ऐसे स्पॉट पर चले जाते हो जहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, तो ये बग नेट होता है वो अवॉइड करते हैं, नहीं तो वो सारे आपके सर में चले जाते हैं और थोड़ा सा खुजाने जैसा फीलिंग हो जाता है आपको। सो इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी ये छोटा सा यूटिलिटी भी बहुत काम में आ जाता है बग नेट, सो दिस इज़ अनदर वेरी गुड पॉइंट विद दिस स्कॉट सुप्रा हेलमेट। सो गाइज अभी कुछ बात करते हैं इसके टेक्नोलॉजी के बारे में कि हेलमेट में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है और जो बहुत सारा पैसा है वो R&D पे खर्च किया जाता है ताकि हर एक हेलमेट सारे सेफ्टी नॉर्म्स कंप्लीट कर जाए। तो संकेत मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि हेलमेट में क्या टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली यूज़ होती है। तो गाइज आप देख पाओगे कि यहाँ पे दो लेयर्स क्लियर कट विजिबल है, जो ऊपर का ये फ्लैशी लेयर है उसको बोलते हैं पॉलीकार्बोनेट शेल, ओके, और ये जो नीचे वाला जो लेयर है उसको EPS बोलते हैं, इट्स अ एक्सपांडेबल पॉलीस्टाइरीन लेयर होता है ये। तो दिस इज़ समथिंग वेरी टेक्निकल थिंग है कि एक्सपांडेबल पॉलीस्टाइरीन मटेरियल होता क्या है। बेसिकली आपने कभी साबूदाना वड़ा खाया है, उसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं और वो आप पानी में डालते हो तो वो फूल जाते हैं। Exactly. तो ये भी सेम काइंड ऑफ मटेरियल है। ये पानी में डालेंगे तो नहीं है? ये पानी में नहीं होता है, इस पे काम करता है टेम्परेचर और स्टीम और प्रेशर। तो ये इसका जो एक्चुअल साइज होता है उससे वो 6 to 7 टाइम्स बड़ा हो जाता है, बट दिस टेक्नोलॉजी इसको इनमोल्ड टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी बेटर क्यों है, क्योंकि इसमें आपको फर्मनेस ज़्यादा मिलती है, स्टर्डीनेस मिलता है हेलमेट को, प्लस ये लाइट वेट हो जाता है जो 280 ग्राम्स है। यही आप खाली पूरा शेल ले लोगे तो इसका वेट और बढ़ जाएगा और आपके सर पे एक भारी सा वेट ऐसा लगेगा कि मैं कुछ लेके चल रहा हूँ सर पे। तो दैट डजंट मीन गाइस कि अगर हेलमेट भारी है पानी गिरेगा या कुछ गिरेगा तो ये भारी हो जाएगा, दैट डजंट मीन दैट, इन द सेंस यू विल एट ऑल टाइम्स फील लाइटर इन वॉट एवर वेदर कंडीशन इट माइट। करेक्ट, एग्जैक्टली संकेत मेंशन एग्जैक्टली राइट पॉइंट। तो इसको बेसिकली इनमोल्ड टेक्नोलॉजी कहते हैं और ये पॉलीकार्बोनेट शेल है और इसको बोलते हैं एक्सपांडेबल पॉलीस्टाइरीन मटेरियल। तो बाद में मशीन में डाल के ये दोनों को मोल्ड कर देते हैं, तो ये एक मतलब सीनर्जी बन जाता है और दिस इज़ नॉट अ रिमूवेबल, देख सकते हो तुम। या इट इज़ इनमोल्ड ना। एग्जैक्टली। कंपनी ने इसके जो फीचर्स बनाए हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है कि ये हेलमेट जो है वो ऑल स्पोर्ट्स यूजेबल हेलमेट है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर साइकिलिंग, अगर आप स्केटिंग में भी हो तो स्केटिंग के लिए भी ये हेलमेट यूज़ कर सकते हो, आप वाइज़र निकाल दो। सेकेंडली ये जो हेलमेट है इसका जो साइज़ है, ओके, इट इज़ वन साइज़ हेलमेट, आप किसी को भी ये पहना दो
तो ये किसी को भी फिट हो जाएगा ड्यू टू इट्स ऐसा पकड़ोगे संकेत एक मिनट ड्यू टू इट्स रोटरी सिस्टम. संकेत इसको जो एग्जैक्ट टेक्नोलॉजिकल टर्म है वो तो मेरे को भी नहीं पता है. एग्जैक्टली तो इसको जो करेक्ट ये जो क्लिक की आवाज आ रही है so it is adjustable according to the exactly but इसको जो technical term है इसको बोला जाता है कि rotary adjustable system. okay तो RAS कहते हैं इसको rotary adjustment system. तो basically ये manual है तो MRAS हो जाता है manual rotary adjustment system. तो इससे क्या होता है आपका skull कितना भी बड़ा कम ज़्यादा हो आपका head का structure वो हिसाब से adjust कर लेगा जो कि ये system संकेत के helmet में भी है. so it is a मोस्ट कॉमनली यूज टेक्नोलॉजी बट इसका जो फंक्शन स्मूथनेस है वो आपको ब्रांड वाइज अलग अलग मिलेगा. संकेत इट इज मच स्मूदर इन दिस वन. करेक्ट. सो इसके जो स्ट्रैप्स है फिटिंग स्ट्रैप्स वो भी काफ़ी ईजी फिटिंग स्ट्रैप्स है. आप देख सकते हो कि यहाँ पे इट्स नॉट लाइक नॉर्मल स्ट्रैप्स जो कि आप कम ज़्यादा रिमूवेबल करते हो जहाँ पे यहाँ दिया गया है ये वाला सिस्टम नहीं है. यहाँ पे क्लिपिंग सिस्टम है तो इजीली एडजस्टेबल है. आप क्लिप ओपन करके फिर से बंद कर दो सो फट से वो एडजस्ट हो जाएगा आपके हेड के साइज़ के हिसाब से. सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. अगेन अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा कुशनिंग दिया हुआ है और वो वॉशेबल भी है और इट इज़ गुड वेंटिलेटेड हेलमेट. आप सभी साइड से देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा खासा वेंट दिया हुआ है. आपको दिख रहा होगा ट्रांसपेरेंट वेंट्स और इसको एक स्ट्रक्चर जो है इसका वो बहुत ही ज़्यादा एरोडायनामिक है. सो यही सब चीज़ें गाइस इसको ख़ास बनाती है कि ये आपकी फर्स्ट चॉइस हो सकती है स्कॉट का सुपरा हेलमेट जो कि एंट्री लेवल का हेलमेट है उनका. इसके बहुत सारे एक्सपेंसिव हेलमेट्स भी मिल जाते हैं. सो इसका जो कॉस्ट है वो है 2999 दैट इज़ एग्जैक्टली 3000 रुपीज़. और जो बिल्ड क्वालिटी और जो मैकेनिज्म इसमें दिया गया है इट इज़ वेरी नाइस. मुझे बहुत पसंद आया हेलमेट. गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी संकेत के चैनल पे जाना. संकेत तुम खुद से ही बता दो ये चैनल का नाम क्या है. इट्स मुंबई साइकिलिस्ट ब्लॉग्स एंड आई मेक साइकिलिंग एंड ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज. हालांकि ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज काफ़ी कम बनाता हूँ. इसके चैनल की जो खास बात है गाइज आपको बजट ओरिएंटेड साइकिल के वीडियोस मिलेंगे. जैसे आप ढूंढ रहे हो कि आपको 10,000 से 15,000 में कौन सी साइकिल्स है अवेलेबल है मार्केट में. जैसे प्रवीण ने बताया कि यू कैन सी साइकिल्स बजट ओरिएंटेड साइकिल्स विच कैन बी विच यू कैन गेट फॉर अराउंड 15,000 रुपीज. दैट यू कैन चेक इट आउट ऑन माई चैनल गाइज. ये वीडियो के जो रिस्पॉन्सेज है आप देखना जाके खाली बहुत अच्छे और बहुत ही क्रिस्प तरीके से ये इन्फॉर्मेशन बताई गई है. सो इसके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना और प्रवीण होराइजन गाइज सब्सक्राइब टू हिज चैनल. ही मेक्स वेरी गुड साइकिलिंग वीडियोज एंड कहीं पर भी ये जाते हैं तो इट इज़ लाइक वेरी गुड एटमोसफियर अराउंड. पीपल are crazy to go with him, ride with him. थैंक यू संकेत. कमेंट करना और मुझे ज़रूर बताना कि ये स्कॉट सुपरा हेलमेट का जो प्रैक्टिकल रिव्यू है वो आपको कैसा लगा. और अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ. एंड दिस इज़ समथिंग सम एडिशनल टेक्नोलॉजी पॉइंट थे जो मैंने आज के वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए थे. तो गाइज यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो ज़रूर लाइक करके जाना. मुझे बहुत अच्छा लगता है और दैट इज़ वन थिंग दैट कीप मोटिवेटिंग मी टू क्रिएट सच ब्यूटीफुल वीडियोस. तो कमेंट भी ज़रूर करना. एंड राइड तो बहुत ही छोटा था आज का बट बहुत मज़ा आया. बहुत ही अच्छा नेचर हमने एंजॉय किया. आप देख ही सकते हो मेरे पीछे हम मुंबई अहमदाबाद रोड पे और मेरे पीछे जो ब्रिज है वो ब्रिज से इतना ऑसम व्यू दिख रहा है. सो इसी के साथ आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही राइड पे. बाय.